हेलो गाइस, आप लोग का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जर्नी कर रहे हैं ट्रेन नंबर 13021 हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस में। और आप लोग को देख के समझ में आ ही गया होगा कि WDG 3A लोकोमोटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि हम लोग को शंट करना है पहले इसको हावड़ा जंक्शन पर। तो चलिए शंटिंग स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ा सीधा 80% पर रखें, जल्दी से हम लोग का ट्रेन स्पीड ले लें, तो फिर बहुत लेट हो जाता है हम लोग का हमेशा शंटिंग का कपलिंग करने में। और लोकोमोटिव का हॉर्न कैसा लगा कमी जरूर से बताएगा हमको। और चलिए आप लोग लोकोमोटिव के अंदर में लेके चलते हैं। और यहाँ से आप लोग देखिए शंटिंग का एक्शन, अभी लोग 50 किलोमीटर पर आगे समय जा चुके हैं। चलिए और स्पीड नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग प्लेटफॉर्म पर एंटर करने ही वाले हैं। चलिए आ जाते हैं बाहर की ओर, बस थोड़ा सा आगे जाके हम लोग अपने ट्रेन को रोक देंगे। और लोकोमोटिव तो आप लोगों को पता चली गया कौन सा आज मिलने वाला है हम लोग को, शॉर्ट वीडियो हम डाले थे लोगों कपलिंग का। चलिए उसे देर से रोकते हैं, उस बार कपलिंग करते हैं फिर से। चलिए बस यहीं पे रोक देते हैं फिर ट्रेन को। और ये हम लोग का शंटिंग ड्यूटी हो चुका है कंप्लीट, अब चलते हैं जैसे हम लोग अपने लोकोमोटिव को कपल कर लेते हैं। और आज हम लोग WAMP4 लोकोमोटिव यूज़ कर रहे हैं ट्रेन को हॉल करने के लिए। जिन लोगों ने शॉर्ट वीडियो देखा होगा उन लोगों को पता ही होगा कि आज WAMP4 का यूज़ होने वाला है। तो चलिए जैसे पेंटोग्राफ को ऊपर करते हैं, अब चलिए जैसे डिपार्ट करते हैं यहाँ से। और ये आज सेकेंड टाइम हम यूज़ कर रहे हैं WAMP4 लोकोमोटिव। फर्स्ट टाइम हम भुवनेश्वर आधार में यूज़ किए थे स्पेशल रिक्वेस्ट पर, और आज सेकेंड टाइम है। और आज ट्राई करेंगे कि आप लोगों को इस लोकोमोटिव का कैब यूज से जर्नी कराएं। बहुत लॉन्ग जर्नी तो होने नहीं वाली आज की, शॉर्ट जर्नी है, तो वही शॉर्ट जर्नी में हम आप लोगों को ट्राई करेंगे कि पूरा लोकोमोटिव के अंदर से व्यू दिखाएं। अभी आप लोगों को लोकोमोटिव के अंदर में लेके नहीं चलें, अभी आप लोग यहीं से देखिए और जैसे स्पीड नहीं क्योंकि हम लोग फिर लेट हो जाएंगे नहीं तो। तो चलिए और ज़्यादा स्पीड नहीं लेते हैं अब हम लोग, और धीरे धीरे जाके कपल कर देंगे। चलिए भाई यहाँ रोकते हैं, उसको कैमरा एंगल सेट कर लेते हैं, साइड एंगल पे आ जाते हैं, वहाँ से बेस्ट व्यू दिखता है कपलिंग का। अब चलिए धीरे से आगे कपल कर देंगे अपने ट्रेन के साथ। और ये मेरा कपलिंग हो चुका है, अब जिस तरह से डिपार्ट कर दी कि हम लोग 12 मिनट लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। जैसे पीछे वाला पेंटोग्राफ को ऊपर करेंगे पहले। चलिए हॉर्न मार के डिपार्ट करते हैं जल्दी से। और ये हम लोग पूरा 20 मिनट लेट डिपार्ट कर रहे हैं हावड़ा जंक्शन से। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि WAMP4 इसका रेगुलर लिंक नहीं है, ऑफ लिंक आज हम यूज़ कर रहे हैं,
और रेगुलर लिंक क्या है आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, कमेंट्स उसे बताएगा हमको। अब चलिए जल्दी से स्पीड लेते हैं, वैप 7 तो नहीं है कि हम लोग तो स्पीड पकड़ लें, थोड़ा टाइम तो लगेगा पकड़ने में। और अभी लोगों को बहुत सा ट्रैक चेंज भी होगा तो 40 के ऊपर तो जाएंगे नहीं अभी हम लोग। नौपुरा ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुका है और हम लोग 40 का स्पीड अचीव कर लिए, 40 का स्पीड मेंटेन रखते हैं। और ये भी हमारा तीसरा बार ट्रैक चेंज हो रहा है, अभी ज़्यादा ही ट्रैक चेंज था हम लोग का, एक बार और होगा उस बार वो आ जाएंगे मेन लाइन पे, आसनसोल थोड़ा मेन लाइन पे। ये बार ऊपर ट्रेन ट्रैक चेंज कर लें तो हम आप लोगों को लेके चलेंगे लोकोमोटिव के अंदर पे। चलिए ट्रॉलो करते हैं 100% पर, चलते हैं लोकोमोटिव के अंदर में और देखते हैं जो वैम 4 हम लोग को 110 का स्पीड अचीव करा पाता है कि नहीं। ऐसे इस ट्रेन का है मैक्सिमम स्पीड, इस लोकोमोटिव का मैक्सिमम स्पीड 120 मिनट पर आ रहा है, ट्रेन का तो 110 है, लोकोमोटिव का 120 तक जाती है। देख लेते हैं हम लोग आ चुके हैं लोकोमोटिव के अंदर, वहाँ लिखा हुआ है 115 होगा मैक्सिमम परमिशनल स्पीड, जो 80 का स्पीड में आ चुके हैं। ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तो है नहीं, देखते हैं लोग कितना स्पीड अचीव कर पाते हैं। तो आप लोग एंजॉय कीजिए हाई स्पीड एक्शन वैम 4 लोकोमोटिव का कैब यूज़ से। और ये आप लोग देख सकते हैं 107 किलोमीटर पर आगे स्पीड चले गए थे, अब तो ब्रेक सप्लाई करना ही पड़ेगा कि आगे आ चुका है स्टेशन। थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो 110 भी अचीव कर ही लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म 3 पे अराइव कर रहे हैं आसनसोल जंक्शन के। तो चलिए बस यहीं पे रोक देंगे अपने ट्रेन को, हम 1 घंटा 17 मिनट लेट पहुँचे यहाँ पे। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट दोस्तों से बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बाय।